जी हाँ नमस्कार दोस्तों आप सभी। तो हम इस वीडियो में ये जानने का कोशिश करते हैं कि आप अपना पीएफ अकाउंट को सिक्योर कैसे करें, और जैसे आपके पीएफ अकाउंट में कोई धोखाधड़ी हो तो आपको किस प्रकार से उसका जानकारी जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करना चाहता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, और देखिए मैंने यहां पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, और इसमें टाइप करना है सर्च टैब में UAN मेंबर पोर्टल, और उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। और ये ओपन होने के बाद यहाँ पर मेंबर होम फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से देखने को आएगा नया पेज। यहाँ पर UAN नंबर मांगा जा रहा है जो 13 अंकों की होती है, और यहाँ पर पासवर्ड आपका अपना डालना है, और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद साइन इन को क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना कैप्चा कोड डालते हैं। तो यहाँ पर हमने UAN नंबर पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर दिए हैं, और यहाँ पर साइन इन करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर गलत कैप्चा कोड डाल दिए थे, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इनवैलिड कैप्चा, तो आपको सही और वैलिड कैप्चा कोड डालना है। हमने यहाँ पर फिर से सही कैप्चा कोड डाले और साइन इन किए। देखिए आपके पास ये पेज ओपन हुआ, और यहाँ पर अलर्ट करके आ रहा है, ये अलर्ट जो सूचना जो आपको दे रहा है ये नामांकन के लिए। यदि आपने EKYC नहीं किए हैं तो हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये KYC कैसे करें उसका लिंक हम डाल देंगे, और नीचे में डाल दिए हैं। और अभी हम बात करते हैं कि आप अपना PF अकाउंट को सिक्योर कैसे करें। तो चलिए इसको हम अलर्ट का जो ऑप्शन है इसको हम कटआउट करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है इसको हम क्लिक करेंगे, ये आपके पास से ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट में होम है, उसके बाद व्यू है, उसके बाद मैनेज है, तो आप मैनेज को क्लिक टिक आउट करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपको एक बेसिक डिटेल्स दिखाई दे रहा है, और एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, KYC, ई नॉमिनेशन और मार्क एग्जिस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल को क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आया है, जो आप इसको बारीक से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर क्या बोला जा रहा है, आधार लिंक, जैसे आप अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपको इसमें वेरीफाइड कराना है, जिससे कि आपके पास कोई भी धोखाधड़ी हो आपके PF अकाउंट से तो आपके पास मैसेज के माध्यम से आपको पता चल सके, और आप अपना ईमेल आईडी भी इसमें वेरीफाइड कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल बंद है या किसी कारणवश वो मोबाइल नंबर खो भी जाता है तो आपके पास ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आपको ये मैसेज प्राप्त हो जाएगा। और कि इस वीडियो इसको हम कैसे फिर वेरीफाई करें, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर मोबाइल नंबर नोट वेरीफाइड, तो इसको वेरीफाइड करना है, तो वेरीफाई या चेंज मोबाइल नंबर को टिक आउट करना है। यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, इंटर न्यू मोबाइल नंबर या री इंटर न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर इंटर कर दिए, और यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ गेट मोबाइल OTP,
यहाँ इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको OTP डालना है। देखिए हमने यहाँ पर OTP इंटर कर दी, जो 6 डिजिट का OTP आया हुआ था। तो इसको फिर वैलिडेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। आपने OTP इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स फिर से ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आई हियर बाय कंसेंट प्रोवाइड माय आधार नंबर बायोमेट्रिक एंड या OTP। आप जो OTP डाले हैं आधार के रिलेटेड मोबाइल नंबर जो था उस मोबाइल नंबर से, तो वही आपको यहाँ पर आपको ये सत्यापित करना होगा। इसके लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर गेट ऑथराइजेशन पिन इसको आपको क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक किए तो आपके पास फिर से दोबारा एक पिन आएगा जो 6 डिजिट का होगा, वो भी आधार पोर्टल से ही आएगा। इसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और यहाँ पर फिर सेव चेंजेस को क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा योर मोबाइल नंबर लिंक विथ UAN पोर्टल से। तो देखिए आप पहले यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था वेरीफाइड, लेकिन अब वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर सकते हैं और आप इसी में ये ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी नोट वेरीफाइड लिखा हुआ है, तो वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यही ईमेल आईडी, तो नहीं कोई दूसरा ईमेल आईडी रहता तो फिर दूसरा ईमेल आईडी के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करते और सेव वेरीफाइड या चेंज ईमेल आईडी पर क्लिक करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए आ गया फिर से अब ईमेल आईडी आ गया और यहाँ पर OTP आएगा जो ईमेल आईडी पर है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी पर पिन आया था उसको मैंने यहाँ पर इंटर कर दिए और यहाँ पर सेव चेंजेस को क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव चेंजेस को क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ गया कि योर ईमेल आईडी लिंक विथ UAN पोर्टल। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से और अपने मोबाइल से खुद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।